अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स यूनिट नंबर फोर लिविंग थिंग एंड द एनवायरनमेंट पेज नंबर 33 द फिज़िकल एनवायरनमेंट। आज हम फिज़िकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिज़िकल एनवायरनमेंट जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो हैं वो दोनों उसको हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट, द क्लाइमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिज़िकल इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस। एक जगह पे जो फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है ये उसमें बहुत ज़्यादा अहम है। क्लाइमेट किसे कहते हैं? आबोहवा को कहते हैं। जैसे कि कुछ इलाके जो हैं वो ज़्यादा देर तक गर्म, ज़्यादा अरसा गर्म रहते हैं और कुछ इलाके सर्द रहते हैं। सम प्लेसेस आर हॉटर वेटर एंड और वाइंडर देन अदर्स। कुछ जो जगह होती हैं वो गर्म होती हैं, गर्म तरीन होती हैं, नमी वाली होती हैं, वेटर नमी को कहते हैं, एंड वाइंडर जहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवाएं चलती हैं देन अदर दूसरी जगहों की नस्बत। वेदर कंडीशन कैन आल्सो चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड सीजन टू सीज़न। वेदर किसे कहते हैं? वेदर वो कंडीशन है जो हर रोज़ चेंज होती है, डे टू डे चेंज होती है और मौसम के साथ चेंज हो जाती है। इन एडिशन द लैंडस्केप अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट। लैंडस्केप वो तमाम विजिबल फीचर्स होते हैं इन्वायरमेंट के जो हमें नज़र आ रहे होते हैं। द लोकल क्लाइमेट इज़ इन आ वैली इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन टॉप ऑफ अ हिल और माउंटेन। एक जो वादी होती है जो कि पहाड़ों के दरमियान होती है वहाँ पे क्या है, क्लाइमेट जो है वो थोड़ी चेंज होगी बनिस्बत किसके, जो पहाड़ों और छोटी हिल्स जो होती हैं पहाड़ियाँ उनकी जो टॉप होती है वहाँ से। साउथ फेसिंग स्लोप्स आर जनरली सनियर एंड वार्मर देन नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं नॉर्थ वर्सेस साउथ, क्योंकि जो सन है वो डायरेक्ट उसकी जो रेज हैं वो साउथ में पड़ती हैं, इसकी वजह से ये वार्मर होता है, इसकी जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और जो नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ पोल्स हैं, वहाँ पे क्योंकि ये इसकी बैक साइड पे हैं, ये शेड में रहते हैं, साए में ये रीजन्स रहती हैं, इस वजह से ये कोल्डर रीजन्स होती हैं। द क्लाइमेट इज़ आल्सो डिफरेंट इन लैंड देन नियर द कोस्ट। और आबोहवा जो होती है वो शहर के अंदर, इनलैंड कहते हैं शहर या जो अंदरूनी हिस्सा होता है शहर का जहाँ पे लोग रहते हैं उस एरिया को कहते हैं। देन नियर द कोस्ट, कोस्टल लाइंस मीन जो साहिल होता है समंदर के पास, उस एरिया में जो आबोहवा है वो क्लाइमेट जो है वो चेंज होगी बनिस्बत उस जगह के, उस प्लेस के जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे आबादी है, पॉपुलेशन है। नेक्स्ट वन इज सॉइल, द टाइप ऑफ सॉइल अफेक्ट्स विच काइंड ऑफ प्लांट्स एंड हेंस विच एनिमल्स लिव इन अ सर्टन एरिया। सॉइल की जो टाइप्स हैं वो किस तरह प्लांट्स को इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध के एरिया में जो सॉइल है वो सैंडी है ज़्यादा, और पंजाब के एरिया में जो है वो सैंडी नहीं है। और जो एनिमल्स हैं वो किस तरह मुख्तलिफ एरियाज़ में सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। सैंडी सॉइल आर वेल ड्रेन एंड ड्राई आउट मोर क्विकली दैन द क्ले सॉइल। सैंडी सॉइल जो होती है जिसमें रेत शामिल होती है, सैंड शामिल होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश्क होती है और अच्छी तरह ड्राई हुई होती है, और वो क्ले सॉइल की नस्बत जल्दी खुश्क हो जाती है। क्ले सॉइल जिसमें नमी होती है, जो नरम मिट्टी होती है। सम सॉइल कंटेन्स मोर ह्यूमस डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर देन अदर्स। कुछ जो सॉइल होती है उसमें क्या है कि ह्यूमस ज़्यादा होता है, ह्यूमस खादों को कहते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट होते हैं जो प्लांट्स और जो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते, वो उसमें जो है वो दब जाते हैं प्लांट, और एनिमल जो एनिमल्स जो डाई हो जाते हैं मर जाते हैं देन अदर्स। ठीक है, कुछ सॉइल में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। दिस इफ़ेक्ट्स द एंड मिनरल्स आर्ट एंड अदर नेचुरल केमिकल प्रेजेंट इन सॉइल। सो जिस सॉइल में खादें और इस तरह के प्लांट्स, डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल मैटर प्रेजेंट होंगे तो उसमें मिनरल साल्ट जो हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे और केमिकल्स भी ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। प्लांट्स फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे जो प्लांट्स हैं नीड आ गुड सप्लाई ऑफ नाइट्रेट्स टू मेक प्रोटीन्स इफ़ दे आर ग्रो हेल्दी। प्लांट्स को अगर हेल्दी ग्रो करना है तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, नाइट्रेट्स की, प्रोटीन बनाने के लिए।
दे आल्सो नीड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इफ़ दे आर टू प्रोड्यूस क्लोरोफिल. और अगर पौधों ने क्लोरोफिल प्रोड्यूस करना हो तो उनमें जो ये साल्ट है, मैग्नीशियम एलिमेंट है, ये भी लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए. थर्ड वन इज़ लाइट. As we have seen page 24 पे हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था. All green plants use sunlight energy to produce their food. तमाम जो green plants हैं क्या use करते हैं? Sunlight अपनी food को बनाने के लिए in the process of photosynthesis. And animals, as animals and other groups of organisms depend upon plants for food, हमने पढ़ा कि बाकी जो organisms हैं या animals हैं वो food के लिए जो है plants पे depend करते हैं, वो plants से food लेते हैं. They are also dependent on sunlight for survival. तो वो ज़िंदा रहने के लिए sunlight पे भी depend करते हैं, उनको sunlight की भी ज़रूरत होती है. Trees in a forest grow tall to reach the light which they need for photosynthesis and growth. जो फॉरेस्ट में, जंगल में ट्री होते हैं, दरख्त होते हैं, वो लंबे क्यों ग्रो कर जाते हैं? क्योंकि वो सनलाइट तक पहुंचना चाहते हैं. मींस के वो इतना ऊपर जाना चाहते हैं, इतना लंबा होना चाहते हैं कि वो सनलाइट को ट्रैप कर सकें अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए और ग्रोथ के लिए. मॉसेस एंड फर्न्स आर मोर सुटेड टू लिविंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट. बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि शेड में, साय में भी ग्रो कर जाते हैं. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. फर्न्स आर अडेप्टेड टू लिविंग इन द शेड ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज. ये जो फर्न्स एंड मॉसेस होते हैं, इस तरह के प्लांट्स, वो बड़े जो ट्रीज होते हैं उनकी शेड में जो है वो ग्रो कर लेते हैं. देयर इट इज़ कूलर एंड देयर इज़ लेस चांस ऑफ ड्राइंग आउट. यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि ठंड होती है थोड़ा, मतलब इन्वायरमेंट ठंडा होता है और वहाँ पे उनको ड्राई होने के चांस कम होते हैं कि किसी वजह से वो प्लांट सूख जाए, ड्राई हो जाए. लाइट आल्सो इनेबल्स मैनी एनिमल टू सी. लाइट जो है वो बहुत सारे जानवरों को देखने में मदद देती है. सो दैट दे कैन मूव अबाउट. वो इधर उधर जो है वो हरकत कर सकते हैं, फाइंड फूड, अपनी खुराक तलाश कर सकते हैं और अवॉइड डेंजर और ख़तरे से बच सकते हैं. सम एनिमल्स सच एज अर्थवर्म्स, वुडलाइस एंड कॉकरोचेस प्रेफर डार्क कंडीशन एंड मूव अवे फ्रॉम द लाइट. ये जो आपने सारे एनिमल्स पढ़े हैं, अर्थवर्म एंड ये कॉकरोचेस, ये क्या हैं? ये प्रेफर करते हैं अंधेरे में रहने को. वाइल अ फ्यू ग्रुप ऑफ एनिमल्स सच एज ग्लोवर्म्स, फायरफ्लाइज एंड डीप सी फिश मेक देयर ऑन लाइट टू अट्रैक्ट मेम्बर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज. लेकिन कुछ जो एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोवर्म्स, फायरफ्लाइज एंड डीप सी, इनके अंदर जो है कुदरती तौर पर ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से ये लाइट अप हो जाते हैं, ये रोशन हो जाते हैं. मेक देयर ओन लाइट टू अट्रैक्ट मेम्बर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज. तो इसके जो बाकी स्पीशीज़ के मेम्बर होते हैं ये एक जगह पर जमा हो जाते हैं इस लाइट की वजह से. लाइट अप देयर प्रे. ये उस लाइट में जो है अपने शिकार को भी देख सकते हैं जिसको उन्होंने शिकार करना है एज अ फूड. और डिस्ट्रैक्ट देयर प्रेडेटर्स. और जो है वो इस लाइट की वजह से जो इनके प्रेडेटर हैं, जो इनके शिकारी हैं, जिन्होंने ये फायरफ्लाइज और डीप सी फिश को जो है वो शिकार करना होता है, वो लाइट की वजह से उनको मींस के भटका देते हैं इधर उधर. वो उनको लाइट में मशगूल कर देते हैं ताकि वो उनका शिकार ना कर सकें.